वो दोस्तों गोविंदा काफी समय से फिल्मों से दूर है, लेकिन साल 2019 में उन्होंने रंगीला राजा जैसी फिल्मों में काम किया था जो कि बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कोई और फिल्म नहीं बनाई, जिसके बाद लोग ये कयास लगाने लगे कि अब गोविंदा का करियर पूरी तरह से डूब चुका है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने 80-90 के दशक और 2000 की शुरुआत में सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। पिछले कुछ वर्षों से हमने उन्हें किसी भी अच्छी फिल्म में नहीं देखा है, लेकिन वो रियलिटी शो में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। 90 के दशक के कई अभिनेताओं ने अपना OTT डेब्यू किया है और वेब सीरीज में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में गोविंदा ने OTT डेब्यू करने की अपनी योजना के बारे में भी बताया। अभिनेता ने खुलासा किया कि वो OTT स्पेस को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे।